हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कस्टम ऑफ एजेंट के बारे में बात की थी। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, कस्टम कैसे सारे स्टेप्स कैसे थे, ऑपरेशन कैसे होता है। तो आशा है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। अब हम फ्रेट फॉरवर्डिंग का लेसन स्टार्ट करेंगे। फ्रेट फॉरवर्डिंग का सेशन भी थोड़ा बड़ा रहेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम फ्रेट फॉरवर्डिंग भी पार्ट वीडियो में अपने सीखेंगे। और आशा है कि आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग का जो भी ऑपरेशन और जो भी प्रोसेस है सारा मैं कुछ आपको सिखा पाऊँ। ओके, तो फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है? तो फ्रेट फॉरवर्डर एक ऐसा बंदा होता है कि जो आपको आपको जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना है, जो स्मूथली आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करवा के दे बाय सी और बाय एयर, और आपका जो कॉस्ट बचा के दे, उसको फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं। आप ऐसा समझ कि फ्रेट फॉरवर्डर जो होता है वो शिपिंग लाइन, CHA और एक्सपोर्ट और इम्पोर्टर, उस सबके बीच का एक ब्रिज होता है। ओके, जैसे CHA के बिना फ्रेट फॉरवर्डर को नहीं चलता है, ऐसे फ्रेट फॉरवर्डर के बिना CHA को भी नहीं चलता। और CHA, फ्रेट फॉरवर्डर, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, शिपिंग लाइन, ये सब कुछ मिला के ही एक्सपोर्ट होता है। किसी एक की भी कमी की वजह से काम नहीं हो सकता है। ओके, नाउ सबसे पहले क्या होगा, एज अ एक्सपोर्ट और आप शिपर भी कह सकते हो, वो सबसे पहले जब भी वो कोई शिपमेंट आपको एक्सपोर्ट करना होता है या इंपोर्ट करना होता है, तो सबसे पहले आपको CHA तो मिल ही जाता है। तो उससे पहले आप क्या करते हो कि सबसे पहले आपको रेट पता होना चाहिए कि मैं ये कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो इसका मुझे कॉस्टिंग क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि आपकी कोई भी डील होती है तो आप अपना जो फ्रेट फॉरवर्डर आपने जो चुना हुआ है उसको आप इंक्वायरी भेजोगे। सपोज कि मैं अभी अहमदाबाद में रहता हूँ, यानी इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अहमदाबाद ICD लिखा हुआ है। एक्स अहमदाबाद ICD मतलब क्या हुआ कि मेरा कस्टम क्लियरेंस जो है वो अहमदाबाद ICD से होने वाला है। ओके, मैं उसको बोलूँगा मुझे भेजना है पोर्ट ऑफ डिपार्चर दुबई भेजना है। मेरा कंटेनर का साइज 20 GP है और आपका जो भी कंटेनर हो, लाइक 40 हाई क्यूब हो, 40 स्टैंडर्ड हो, 20 फ्लैट टैग हो, 20 ओपन हो, कंटेनर के कई सारे प्रकार है, उसमें से आपका जो भी कंटेनर हो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहता है। उसके बाद आपकी कॉमोडिटी जो है वो और आपका वेट। आप जैसे ही ये फ्रेट फॉरवर्डर को इंक्वायरी डालोगे, फ्रेट फॉरवर्डर तुरंत ही शिपिंग लाइन को कॉन्टेक्ट करेगा। सेम यही फॉर्मेट में वो शिपिंग लाइन को इंक्वायरी भेजेगा, शिपिंग लाइन का जो रिप्लाई आएगा उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर आपको रिप्लाई करता है। सपोज कि फ्रेट फॉरवर्डर का रिप्लाई क्या आएगा, इतनी चीज़ें तो जो थी वो हमें पता ही था कि भाई हमें एक अहमदाबाद से भेजना है, पोर्ट ऑफ दुबई जेबल लिए दुबई, और कंटेनर साइज मेरी 20 GP और कॉमोडिटी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, वेट भी आपको पता था 1600 kg। अब बाकी की जो डिटेल है वो आपको फ्रेट फॉरवर्डर देगा। यानी कि सपोज मान लो कि आपको किसी की ट्रेन में आपको अहमदाबाद से बॉम्बे जाना है तो आपका जो ट्रेन का जो एजेंट होता है वो सारी चीज़ें बताता है, ट्रेन का नंबर कौन सा है, ट्रेन का डब्बा कौन सा है, ट्रेन कहाँ से निकलेगी, कहाँ पे पहुँचने वाली है, वाया है डायरेक्ट। सेम वेसल में भी यही होता है, ये जो फ्रेट फॉरवर्डर बंदा होता है जो शिपिंग लाइन एजेंट से रेट लेके आपको दिखा रहा है। सपोज कि आप इतनी डिटेल अपने पास थी, उसने वापस उसका रिप्लाई जो है उसमें क्या चीज़ चेक किया कि पोर्ट ऑफ लोडिंग मुंद्रा। ओके, मतलब कि वो अब अहमदाबाद में कस्टम क्लियरेंस होगा और अपने जो कंटेनर है हमें मुंद्रा तक पहुँचाना है, मुंद्रा पोर्ट में, क्योंकि वेसल वहाँ पर आएगी और वहाँ से हमारा कंटेनर लोड होगा। तो वेसल का नाम क्या है? सपोज कि वेसल का नाम है मक्स कालमर, उसका कट ऑफ 29/1/2015। मतलब कि हमें कंटेनर कस्टम क्लियरेंस करने के बाद कुछ भी हो जाए हमारा कंटेनर से 29/1/2015 से पहले पोर्ट पे पहुंचाना ज़रूरी है, तो ही हमारा कंटेनर वेसल में जाएगा। उसके बाद वो देता है ETA, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल, मतलब कि वेसल 30/1/2015 को आ जाएगी उसके बाद और आपका कंटेनर लोड होगा। उसकी 30/1/2015 में जो वैसे आएगी एस्टिमेट टाइम जो दिया हुआ है उसका मतलब है उसके पहले ऊपर जो मैंने आपको मेंशन किया हुआ कट ऑफ 29 तारीख को आपका कंटेनर पहुंचेगा, तो 30 तारीख को एस्टिमेट जो वैसे आएगी उसमें आपका कंटेनर लोड होगा। उसके बाद है ETA, एस्टिमेट टाइप ऑफ डिपार्चर 31/1/2015, मतलब कि ये वेसल 31/1/2015 को पोर्ट छोड़ देगी, कंटेनर आपका चला जाएगा वेसल में और
आपका कंटेनर लोड हो जाएगा या शेयर हो जाएगा, आप जो भी लैंग्वेज वर्ड यूज करना चाहे ओके। और वो आपको बताएगा ट्रांजिट टाइम कि भाई जेबल अली पहुंचना है तो मुंद्रा से निकलेगा अगर तो 3 दिन में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये वेसल डायरेक्ट है। अगर वो आया होगा तो वो आपको बताएगा कि वायपुर से जाने वाला है, इतना दिन में जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए जो होती है वो अपने को फ्रेट देता है, फ्रेट फॉरवर्डर डॉलर में जो होता है, और 225 आपको दिख रहा है, हमने मेंशन किया हुआ है ये आपका फ्रेट है, उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता है। और TSC जो दिखा टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, जो आपका कंटेनर वहाँ पे पहुँचेगा पोर्ट पे, उसके बाद जो भी ऑपरेशन होगा वेसल में लोड करने तक कंटेनर, उसके ये चार्जेस शिपिंग लाइन हमसे कलेक्ट करती है। और ज़्यादातर जो भी फ्रेट फॉरवर्डर इसके अंदर कोई भी मार्जिन नहीं डालते हैं, वो एक्चुअली होता है। और आप वेबसाइट पर भी जाकर ये TSC और DL चार्जेस कन्फर्म कर सकते हैं। TSC चार्जेस साइनर में होती है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी 9000 लिखी हुई है, उसके बाद वो आपको देता है BL चार्जेस। BL चार्जेस मतलब BL यानी बिल ऑफ लेडिंग चार्जेस 2500 रुपया ओके। उसके बाद अभी अगर आपकी बिल हो जाती है, अगर आपकी रील अच्छा लगता है, तो उसके बाद का जो भी स्टेप है हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। मेरे साथ लगे रहिए, अपने पार्ट वीडियो में पूरा फिट फॉरवर्डिंग का लेसन ख़त्म करेंगे। मैं आखिरी वीडियो तक आप फिट फॉरवर्डिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब मैं सिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिट फॉरवर्डिंग का अगला स्टेप। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस ऑन YouTube एंड थैंक यू वेरी मच।